उद्योग डिपार्टमेंट के ऊपर मुझे बोलना है। महाराष्ट्र के अंदर पीछे चार महीने पहले जितने पावर लूम सेंटर्स थे वहां का पूरा कपड़ा रुक गया हुआ था, और कपड़ा गुजरात और राजस्थान जो प्रोसेसिंग करने के लिए जाता था वो कपड़ा वहां पर जाने के लिए वहां पर स्टे आ गया था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई प्रॉब्लम्स होने की वजह से वहां पर जहां पर प्रोसेसिंग है गुजरात के अंदर है और राजस्थान के अंदर है। उद्योग डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट को उनके मंत्री महोदय को मैंने खुद एक निवेदन दिया और उनसे मैंने ये डिमांड किया कि आप जहां जहां भी पावर लूम सेंटर्स हैं, चाहे वो भिवंडी हो, मालेगांव हो, नागपुर हो, कामटी हो, इच्छलकरंजी हो, ये यहां पर जो एमआईडीसी एरिया है उस एमआईडीसी एरिया के अंदर विशेष प्रोसेसिंग के लिए वहां पर प्लाट का एक्वायर होना चाहिए और प्लाट का आरक्षण होना चाहिए, और उसके लिए जो जो एनओसी लगने वाली है प्रोसेसिंग के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत बड़ा रुकावट आती है, तो उस वहां पर महाराष्ट्र के अंदर प्रोसेसिंग शुरू किस तरीके से होती है पावर लूम सेंटर्स के अंदर, ताकि हमको गुजरात और राजस्थान कपड़े के लिए प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाना पड़े। इसके लिए आप जरूर, मेरा डिमांड है आपसे कि आप उसके ऊपर जरूर ध्यान देते हुए वो हमारे महाराष्ट्र के अंदर उद्योग शुरू हो, इसके लिए जरूर मैं आपसे विनती करता हूँ।